हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न रेतिमन। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022, जिसमें 7.5 लाख से भी अधिक बच्चों ने पेपर दिया। और अब जो है, जो मामला पेपर लीक का आया है सामने, तो उनके भविष्य को लेकर जो है चिंता का विषय खड़ा हो गया है। क्योंकि जहां पर बच्चे जो है वो जी जान से जो है वो मेहनत करते हैं, कई बच्चे जो है वो घर से दूर जाकर जो है, जिनको खाने पीने का भी कुछ होश नहीं था, लेकिन पढ़ाई जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से की और उनको लगता है हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो हमारे रक्षक हैं वही जो है वो भक्षक जो है वो बने हुए हैं। और जहां पर ये पता लगा है, राजस्थान पत्रिका में जो चीज आ जाती है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। तो बाबूलाल कटारा, जिसने सुना है कि 6 सेट जो है उसने जो है वो आगे भेजे हैं, 6 सेट जो है वो आउट किए हैं। तो जब उसने 6 सेट आउट किए हैं, क्या उसका 6 सेट से ही पेट जो है वो भर गया होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और कौन सा पेपर जो है वो लीक हुआ है, किस सब्जेक्ट का लीक हुआ है, ये भी कहना संभव नहीं है। हो सकता है सारे ही पेपर लीक हुए हैं और 6 नहीं बल्कि काफी संख्या में जो है वो उसने सेट निकाल कर जो है वो बेचे हैं। तो अच्छा खासा अमाउंट तो उसने पहले से ही भर लिया है और बच्चों के भविष्य के साथ जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न ये उठता है कि अब जो है क्या सारे पेपर जो है वो लीक हुए हैं, तो ये जो सेकेंड ग्रेड भर्ती है ये निरस्त हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, जैसा कि लग रहा है, जो धीरे धीरे जो खुलासा हो रहा है उससे यही महसूस हो रहा है कि ये जो भर्ती है वो निरस्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6 सेट ही नहीं, पता नहीं कितने सेट जो है वो आउट हुए हैं। और जहां पर मेहनत करने वाला बच्चा जो है वो 80% से अवब जो है लेकर आ रहा है, और जिनके पास ये पेपर ही पहले पहुंच गया है तो वो तो 90 से भी अवब लेंगे, ठीक है। और वहां पर उस मेहनत करने वाला बच्चा जो जिसकी 80% है, उसका भी जो है वो नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो जिनके पास पेपर पहुंचे हैं, इन्हीं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी जो एक चेन है भ्रष्टाचार की, वो इस तरीके से जो है वो बनती जाएगी अगर इस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया, इस पेपर को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया, केवल उसी पेपर को कि ये जो है जीके का जो 24 तारीख का जो पेपर था वही लीक हुआ है और केवल उसी को जो है वो रद्द करना है और उसको दोबारा करा लेना है। हो सकता है जितने भी पेपर हुए सभी लीक हुए हैं, तो नंबर तो केवल उन्हीं बच्चों का आएगा जिनके पास वो पेपर पहुंचा है, वो तो 90% से भी अबव जो है वो कर जाएंगे और सिलेक्शन भी उनका ही होगा। और ये जितनी जो एक लंबी चेन है जिसका पता ही नहीं है, ये सब के सब जो है वो सिलेक्ट होकर टीचर बन जाएंगे और प्रशासन में इतना ज्यादा जो है वो भ्रष्टाचार हो जाएगा, जहां पर मेहनत करने वाले बच्चों का कोई वजूद नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम भी जो है ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा जब एक बार जो है इन लोगों ने यहां पर जो है वो अपने कदम रख लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर जो लीक हुए हैं, तो क्या पूरी जो है सेकंड ग्रेड जो है वो निरस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मेरा पर्सनल व्यू अगर जाने तो, बच्चों ने मेहनत की है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब ये पेपर लीक हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कौन सा पेपर जो है वो लीक हुआ है, किस सब्जेक्ट का लीक हुआ है, इतना पता है कि बस लीक हुए हैं, तो ऐसे में जो है वो सेकंड ग्रेड जो है वो निरस्त होनी चाहिए। यहां पर जो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो वो लोग जो हैं इस चीज को नहीं मानेंगे कि हमारे तो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। तो अच्छे खासे मार्क्स यानी 80% मार्क्स भी हैं तब भी आप जो है वो रह जाएंगे, क्योंकि 90% से अबव जो बच्चे हैं जिनके पास सेट पहुंचे हैं उनका नंबर आएगा ही। तो ये चीज देखिए बहुत जो है अब बच्चों के सामने जो है वो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि कई बच्चों ने बाकी सभी एग्जाम को छोड़कर जो है सेकंड ग्रेड पर ही ध्यान दिया। उनको लग रहा था कि हमारा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा, हमें किसी और एग्जाम पर जो है फोकस नहीं करना है। अब उनके साथ जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो इस ओर जो है बहुत अधिक जो है गहराई से जो है वो ध्यान देना होगा। जितने भी जो है
लोग इस चीज में जो है वो पाए गए हैं, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी जो है वो सजा मिले कि दूसरे जो लोग देख कर इस बारे में जो है वो सपने में भी ना सोच सकें। तो ये चीज जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों की क्या राय है कि क्या जो है वो सारे पेपर अगर लीक हुए हैं तो सेकंड ग्रेड जो है वो निरस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग जो है वो अपनी राय दें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।